दोस्तों नमस्कार, मैं एडवाइस पेज चैनल में आपका स्वागत है। मैं और आज किशोर, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जिसको करके आप महीना में लाखों रुपया कमा सकते हैं, वो भी अपने घर पे बैठकर। तो दोस्तों वो बिजनेस है ओल्ड प्रोडक्ट, यानी पुराना सामान जैसे कि मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप और भी कई तरह का प्रोडक्ट खरीद कर और उसे फिर बेचकर जो है पैसा कमाने का। तो दोस्तों ये बिजनेस जो है आप अपने घर से ही कर सकते हैं। इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि ये प्रोडक्ट जो है पुराना प्रोडक्ट कहाँ से खरीदेंगे और कहाँ सेल करेंगे, इसको कैसे खरीदना है, कैसे सेल करना है, इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप जो है ये वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको OLX के बारे में बताएंगे। दोस्तों OLX एक ऐसा वेबसाइट है, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बहुत सारा पुराना सामान बेचने वाला, यानी पुराना प्रोडक्ट बेचने वाला जाता है और वो अपने प्रोडक्ट को उस साइट पे डालता है और वहां जो है खरीदने वाला पहुंचता है जो उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। जैसे कि आप जो है ऑनलाइन शॉपिंग साइट पे जाकर प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे कि अमेजोन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, शॉपक्यूल्स और भी कई तरह का शॉपिंग साइट जो है उस पे जाकर आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो वो खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, तो वहां जो है आप नया प्रोडक्ट खरीदते हैं या फिर नया प्रोडक्ट बेचते हैं। लेकिन यहाँ जो है आप पुराना प्रोडक्ट खरीदेंगे और पुराना प्रोडक्ट सेल करेंगे। वहां जो है उसका, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग साइट का अपना डिलीवरी सर्विस है, यानी शिपिंग सर्विस, वो शिपिंग करवा देता है। लेकिन यहाँ जो है ये OLX साइट शिपिंग नहीं करवाता है, आपको जो है उनसे कांटेक्ट करके, यानी जो सेलर है उनसे कांटेक्ट करके और आप वहाँ जाइए या फिर उनको कॉल कीजिए, उनके अकाउंट में पैसा डाल दीजिए और वो प्रोडक्ट जो है आप अपने पास जो है शिपिंग करवा लीजिए। तो दोस्तों इसके लिए आपको जो है OLX के वेबसाइट पे जाना होगा। देखिए आपको हम स्क्रीन पे ले जाते हैं, यहाँ टाइप करना है www.olx.in और इंटर दबाना है। ये बिजनेस जो है आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तब भी आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से भी कर सकते हैं। इसके लिए जो है OLX वेबसाइट पे आना होगा। OLX वेबसाइट पे हम आ गए हैं दोस्तों। तो यहाँ जो है देखिए आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है और उसी अकाउंट से जो है आप सारा काम कर पाएंगे। अकाउंट बनाना है और उसी अकाउंट से आपको जो है वो प्रोडक्ट खरीदना है और फिर उसी अकाउंट पे के माध्यम से जो है यहाँ जिस देखिए सबमिट एड जो दिया गया है, यानी सबमिट एड यानी आप अपना प्रोडक्ट कुछ का जो है फोटो, उसका डिस्क्रिप्शन और उसका प्राइस डालिएगा और जो जहाँ मतलब जो है जो खरीदने वाला बायर जो होगा आकर और आपसे कांटेक्ट करके खरीदेंगे। तो देखिए आपको पहले यहाँ अकाउंट बनाना होगा। तो अकाउंट बनाने के लिए पहले यहाँ जो दिया गया है माई अकाउंट, इस पे क्लिक करना है। तो माई अकाउंट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ दिया गया है रजिस्टर, रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का विंडो खोलकर आ जाता है। तो यहाँ भरना है आपको, इस फॉर्म को फिल करना है, यहाँ देना है मोबाइल नंबर। देखिए हम मोबाइल नंबर दे रहे हैं, फोन नंबर, यहाँ पासवर्ड जो आप जो है पासवर्ड रखना चाहते हैं इस अकाउंट के लिए, यानी OLX पर जो आप अकाउंट बना रहे हैं इसके लिए जो आप पासवर्ड रखना चाहते हैं वो पासवर्ड आप यहाँ दीजिए। और यहाँ जो है आप अपना नाम लिखिए, और यहाँ जो दिया गया है बाय रजिस्टरिंग ऑन OLX यू एक्सेप्ट आवर टर्म्स ऑफ यूज, यानी अब जो है इस OLX पर अगर आप रजिस्टर कर रहे हैं तो इसके लिए आपको जो है OLX का जो टर्म्स और कंडीशन जो है टर्म्स ऑफ यूज है, यानी इसका जो पॉलिसी है इसको आपको फॉलो करना होगा। तो आप चाहे तो इस पर क्लिक करके इसका जो पॉलिसी है इसको आप पढ़ सकते हैं और हम पढ़े हुए हैं। तो यहाँ आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं भी पढ़िएगा तो हम आपको पूरा जो है प्रोसेस बताइए रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, यानी रजिस्टर पे क्लिक कीजिए। तो रजिस्टर पे जो ही आप क्लिक करते हैं तो आपका जो है अकाउंट, देखिए
बन जाएगा। और यहाँ आपको जो है अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए आपके मोबाइल पे जो है एक पासवर्ड जाएगा, सॉरी ओटीपी जाएगा, जिसको यानी मैसेज के थ्रू जाएगा, जिसको आप यहाँ पे डालकर और आप अपना जो है अकाउंट वेरीफाई करवा लीजिए। तो इसके लिए देखिए हम दे रहे हैं 8155 और कंफर्म पे क्लिक करते हैं। अगर आपके पास यह कोड नहीं आता है तो वहां जो रिसेंट दिया गया है था उस पर आप क्लिक करके और फिर दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अब आ गया और मेरा अकाउंट जो है बन चुका है और हम इस अकाउंट में लॉगिन हो चुके हैं। देखिए जब आप अकाउंट में लॉगिन हो जाइएगा तो आपको जो है इस तरह का पैनल दिखाई देगा। इससे बाहर आने के लिए आपको यहाँ से देखिए यहाँ क्लिक करना है, यहाँ साइड में, और लॉग आउट पे क्लिक करना है। जब आप लॉग आउट पे क्लिक करते हैं तो लॉग आउट हो जाते हैं, यानी अकाउंट से आप बाहर चले जाते हैं। तो इसके लिए फिर से लॉग इन करने के लिए माय अकाउंट क्लिक कीजिए, यहाँ जो है जिस मोबाइल नंबर से आप ये बनाए हैं वो दीजिए या फिर ईमेल आईडी दीजिए और फिर लॉग इन कीजिए। लॉग इन पे क्लिक कीजिए। देखिए हम अपने अकाउंट में लॉग इन हो चुके हैं। इसके बारे में हम पूरा डिटेल से बताएंगे आगे, फिर वीडियो बनाएंगे। यहाँ फिलहाल आपको हम बता रहे हैं प्रोसेस कि कैसे आपको प्रोडक्ट खरीदना है और कैसे यहाँ डालना है। इसे प्रोडक्ट अच्छा से डालने के लिए आपके लिए हम वीडियो दूसरा बनाएंगे और इस पूरा पैनल को समझाएंगे उस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों यहाँ जो है आपका अकाउंट है, यहाँ पे आप जो जैसे मैसेज कीजिएगा तो मैसेज आएगा, जैसे आपको हम बता रहे हैं। वॉलेट पे क्लिक कीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद आप जो है जो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं वो खोजिए। तो खोजने के लिए आप जो है फिल्टर कर सकते हैं आप अपना लोकेशन, यानी आप अपना जो है लोकेशन फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ लोकेशन दिया गया है, यानी आप कहाँ से प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, किस प्लेस से आप प्रोडक्ट, किस जगह से आप प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, है ना। तो आप जो है अगर चाहते हैं ऑल इंडिया, यानी इंडिया के किसी भी कोने से खरीदना चाहते हैं तो ऑल इंडिया सेलेक्ट कर दीजिए। अगर नहीं आप किसी खास जगह से खरीदना चाहते हैं तो उस जगह को आप यहाँ पे मेंशन कीजिए। जैसे मान लीजिए हम बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से खरीदना चाहते हैं तो बिहार सेलेक्ट किए, इसके बाद बिहार में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ खुल के आ जाता है। तो यहाँ देखिए दरभंगा लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करते हैं तो दरभंगा सेलेक्ट हो गया। देखिए दरभंगा बिहार, यानी जो है हम जो प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं वो जो है दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में जितने भी प्रोडक्ट सेलर दरभंगा का होगा, जो दरभंगा में सेल करने के लिए दिया है, यानी दरभंगा में जो है प्रोडक्ट वो पेज पूरा ओपन होगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ टाइप करते हैं मोबाइल, और यानी मोबाइल हम खरीदना चाहते हैं तो मोबाइल लिख दिए और यहाँ जो है सर्च पे क्लिक करना है। देखिए खुल कर आ गया, जितने भी फोन होगा मोबाइल होगा वो पूरा लिस्ट जो है खुलकर आ जाता है, यानी दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में जितने भी सेलर होगा वो पूरा कौन सा मोबाइल है, कितना इसका प्राइस है, सब दिया गया है। जो नहीं दिया गया है उससे आप कांटेक्ट करके और पूछ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये मोबाइल है, ये खरीदना है हमको, तो गुड कंडीशन फोन है ना, तो ये लिखा हुआ है, नहीं ये जो टाइटल दिया गया है इसका, तो ये इस पे जो आप माउस ले जाते हैं तो ये देखिए कलर कुछ चेंज हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है, तो उस पे क्लिक करना है आपको। देखिए ये इसी तरह से आपको भी आप अपना सेल करने के लिए, आपका प्रोडक्ट जो है सेल करने के लिए इसी तरह आपको भी डालना होगा, मतलब एड डालना होगा। इसी तरह आपको ये देना, हेडिंग देना है, इसका डिस्क्रिप्शन देना है, इसका प्राइस देना है और प्रोडक्ट का जो है एक फोटो लगाना है। वो आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में देखिए आपको यहाँ देखना है, खरीदना है तो इस पे क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए पूरा पैनल खुल गया, खुल गया। इसके बाद आप जो है यहाँ देखिए लिखा गया है चैट विथ सेलर,
यानी सेलर के साथ जो है आप चैट कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, ये व्हाट्सएप और भी कई तरह का जो सोशल साइट्स है उस पे आप चैटिंग करते हैं, इसी तरह यहाँ भी चैट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जो है कुछ भी लिखिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ लिखेंगे हम क्या, इससे का जो है कॉन्टेक्ट नंबर हम मांगेंगे। देखिए फोटो, ओ सॉरी ये था ना, ये था। तो इससे हमको कांटेक्ट करना है, इनका नाम देखिए, इनका नाम जो है ये है, और जो है ये सेलर है जिनका मोबाइल है, और यहाँ टाइप कीजिए जो हम ये मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आप अपना कांटेक्ट नंबर दीजिए। देखिए टाइप कर दिए यहाँ, हाई आई वांट टू बाय दिस फोन, प्लीज प्रोवाइड मी योर कॉन्टेक्ट नंबर। मैंने यानी हम लिखे जो मैं आप जो है ये फोन खरीदना चाहता हूँ, और जो है आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर हमें प्रोवाइड कीजिए। आप जो चाहे हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी, जिस भाषा में आपको लिखना है, जिस लैंग्वेज में आपको लिखना है ये लिख दीजिए, और यहाँ सेंड पे क्लिक करना है। सेंड पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये मैसेज जो है उनके पास पहुंच जाता है जो इनका सेलर है, यानी ये मोबाइल का जो सेलर है इनके पास पहुंच जाता है, और वो जो है आपके को फिर मैसेज करेंगे, और वो अपना कॉन्टेक्ट नंबर देंगे जिस पे आप कॉल करके और बात कीजिए, उनसे पूछिए कि उनका एड्रेस क्या है, और आप वहां जाकर प्रोडक्ट खरीद लीजिए, ये पैसा दीजिए उनको और सामान ले लीजिए, या फिर आप उनके अकाउंट नंबर पे जो है पैसा ट्रांसफर कर दीजिए और प्रोडक्ट जो है बाय पोस्ट शिपिंग करवा लीजिए। लेकिन आपको जो है इसमें रिस्क होगा, ऑनलाइन जैसे अकाउंट मान लीजिए किसी के अकाउंट पे आप पैसा ट्रांसफर कर देते हैं लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं देगा, तो आप को थोड़ा मतलब ये प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आपको जो है बेटर होगा आप उनसे मिलिए, वहां जाकर मिलिए जिनका मोबाइल है उनको बुलाइए, या फिर वहां जाकर आप खुद मिलिए और उनसे बात कीजिए, और फिर वो प्रोडक्ट जो है आप खरीदिए और उसे सेल कीजिए। तो सेल करने के लिए जो है कैसे आपको सेल करना है आपको हम इस वीडियो में ये तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत बड़ा हो चुका है, अगले वीडियो में आपको हम ये बताएंगे। देखिए उनका जो मैसेज आएगा यहीं जब आप लॉगिन कर कीजिएगा, तो यहाँ जो मैसेज सेक्शन है इसी में जो है उनका मैसेज आया रहेगा, यानी वो जो है मोबाइल नंबर जब सेंड करेंगे तो उनका मैसेज यहाँ पे दिया रहेगा, जिसको आप यानी इनबॉक्स में दिया रहेगा, इसको आप खोलकर और जो है मैसेज में जो मोबाइल नंबर दिया रहेगा उनसे आप वो मोबाइल नंबर से कांटेक्ट करके और आप उनसे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, आप जैसे चाहे खरीद सकते हैं, उनको बुलाइए अपने पास या फिर कहीं बुलाइए, या फिर आप ही वहां पे पहुंचिए और खरीदिए। और बेचने का प्रोसेस क्या है आपको जो है हम अगले वीडियो में बताएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें हमें सपोर्ट करने के लिए, और अगले वीडियो जो हम मेरा आने वाले हैं उसे देखिए।